चमोली जिले के गोचर में आयोजित हो रहे 70वें औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास मेले में मेलार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। रोजाना हजारों की संख्या में मेलार्थी मेले में पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मेले में लोग उत्पादों की जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। मेले में स्थानीय लोगों को राफ्टिंग और साहसिक खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि पर्यटन विभाग की ओर से रानों से सारी पुल तक 3 किलोमीटर की दूरी तक रिवर राफ्टिंग करवाई जा रही है। साथ ही साहसिक खेलों में फ्लाइंग फोकस, रिवर क्रॉसिंग, वर्मा ब्रिज जैसे खेलों का भी आयोजन हो रहा है। चमोली से संदीप सिंह की रिपोर्ट। टूरिज्म के सपोर्ट से हम लोग राफ्टिंग चला रहे हैं दो चंदे में, जो कि 6 दिन के लिए है। और जो 2019 में कोविड से पहले राफ्टिंग चलाई गई थी यहाँ पे, तो निःशुल्क चलाई गई थी टूरिज्म की तरफ से, लेकिन इस बार टूरिज्म ने और हम लोगों ने मिलकर यहाँ पे पेड राफ्टिंग स्टार्ट करी है दो चंदे में पहली बार। अनुभव है राफ्टिंग करने का, और सारे जो मेले में घूमने वाले दर्शक हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं राफ्टिंग का आनंद ले रहे हैं, और पर्यटक खूब मजा लूट रहे हैं ये उत्तराखंड की सुंदर वादियों में अलकनंदा के तट पे, और बहुत मजा आ रहा है राफ्टिंग करके यहाँ पे हमको। हम लोगों के द्वारा यहाँ पे एक तो हमने रिवर राफ्टिंग का एक नया स्टेज तैयार किया है, जिसमें हम यहाँ पे जो मेले में जो लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे या स्थानीय लोगों को, हम एक राफ्टिंग करवाएंगे 3 किलोमीटर का एक स्ट्रेच हमने उसमें की है सेफ्टी राफ्टिंग के लिए। प्लस हमने एडवेंचर एक्टिविटी भी यहाँ पे लगाई है, फ्लाइंग फॉक्स है, वर्मा ब्रिज है, और फ्लाइंग फॉक्स है, वर्टिकल रॉक क्लाइंबिंग का है। तो ये 4-5 आइटम्स हमने अलग से लगाए हैं, और इनका हम इससे प्रचार प्रसार और ये का डेवलपमेंट का भी इसमें विकास होगा मिलेगा।